तो हेलो गाइस, स्वागत है नए वीडियो में। मैं आरा बता सिंह बिट्स पिलानी पिलानी कैंपस का थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। एंड हम लोग बिट्स काउंसलिंग बहुत दिन से कर रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे पास अराउंड 1700 बच्चे थे, फिर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हमने, उसमें बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए, ये सब है। सो हमने बहुत लोगों के पेरेंट्स के डाउट भी क्लियर करे। तो हमने जो मेजर चंक दो देखा कि भाई ये टॉपिक्स पे लोग बहुत ज़्यादा डाउट पूछते हैं। अब क्योंकि अब एंड आ चुका है, अब आज लास्ट टाइम है इटरेशन में आपको एडिट करने का प्रेफरेंस वगैरह, तो मैंने और आर्यन ने सोचा और प्रीत ने कि भाई जो जो डाउट्स हैं अच्छे उनको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब मैं और आर्यन क्योंकि मेजरली इसको एक्सेस करेंगे और बोलेंगे आपको, तो हम अपना इंट्रोडक्शन पहले दे देते हैं आपको। मैं आ रहा हूँ, पता है आपको स्क्रीन पे देख सकते हो मेरा क्रेडेंशियल्स। एंड फिर आर्यन है जो कि थर्ड ईयर राइट है, मेरा विंगी है। एंड लाइक उसके बाद मैकेनिकल में मेजर कर रहा है, टीचिंग असिस्टेंट है। फिर क्रिस के अंदर इंटर्न है, तो हमारी इंटर्न भी साथ लगी है। तो वही चीज़ है कि विंग भी साथ, इंटर्न भी साथ, तो हमारी बॉन्डिंग अलग ही है। तो इस वो चीज़ आपको इस वीडियो में निखर के आएगी, ठीक है। अब लेट्स स्टार्ट कि भाई हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, आर्यन बहुत अच्छा समझाएगा आपको कि पिलानी गोवा और हैदराबाद का क्या डिफरेंस है। हाय एवरीवन। तो यार देखो, हमको ना हर मीट पे एक ही जो बेसिक क्वेश्चन आता है कि पिलानी, गोवा, हैदराबाद में हमको कौन सा कैंपस प्रेफर करना चाहिए। अगर कभी कभी क्या होता है, आपको गोवा में हो सकता है सीएस मिल रहा हो, पिलानी में ईसीए मिल रहा हो। तो हमने कुछ डाउट्स कंपाइल कर लिया, विल गो वन बाय वन। तो जो पहला डाउट इस टाइप का आता है कि देखो, एमएनसी पिलानी में मिल रहा है, ईसी सीएस गोवा में मिल रहा है, इस टाइप का। या समझ लो सीएस गोवा में और ईसी हैदराबाद में, उस टाइप का सिचुएशन है ना। तो यार देखो, अब तक देखो, एंड ऑल्सो एक बात हम पहले क्लियर करते हैं, ये हमारे पर्सपेक्टिव्स हैं जो हमने 2 साल में रह के सीखा है। ऐसा नहीं है कि तुम हमारे ओपिनियन से अलग कुछ काम करोगे तो गलत हो जाओगे। यू कैन ऑल्सो टेक योर डिसीजन, बट ये हमारे पर्सपेक्टिव्स हैं। तो देख यार आरव, मेरा तो इसमें सिंपल पर्सपेक्टिव है। अगर तुम्हारा कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट नहीं है, लेट्स से तुम्हारा इलेक्ट्रिकल में कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम्हारा सीएस में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड हैव टेकन सीएस, क्योंकि मेरे को लगता कि भाई एक ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मेरे को मिल सकती है। मेरा पहला पर्सपेक्टिव ये है। दूसरा जो मेरे को समझ आता है कि आप, चलो ठीक है यार, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कोई कैंपस हायर है कोई लोअर। लेट्स से पिलानी को अपन इतना हाई कट ऑफ देते हैं, तो कोई तो रीजन होना चाहिए, आई थिंक कोई तो होगा। तो आई वुड हैव प्रेफर्ड पिलानी, जो कि मैंने आपके सामने बैठा हूँ, पिलानी में ही हूँ। आई लेफ्ट इलेक्ट्रिकल इन गोवा एंड हैदराबाद। तो दिस वॉज माई पर्सपेक्टिव। आरव, अगर तेरे को कुछ ऐड करना है। हाँ, और उसके साथ साथ जो होता है ना, तीन कैंपस में आपको जो मेजर डिसाइडिंग फैक्टर है, जो आप कैंपस आके रियलाइज करोगे सेकेंड ईयर के बाद, हमारा PS1 होता है, ठीक है, और PS2 होता है, प्रैक्टिस स्कूल अगर आपको पता होगा तो। वो होता है प्रॉपर CGPA बेस्ड। तो ऐसा देखा गया है लोगों से बात करके कि गोवा वाले जो लोग होते हैं ना, लाइक दे आर लाइक वेरी स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स CGPA। सो अगर लेट से अगर आप एक अमाउंट ऑफ एफर्ट पिलानी में डाल रहे हो, उतना ही गोवा में डालो, उतना ही हैदराबाद में डाल रहे हो सकता है पिलानी और हैदराबाद में आपकी CGPA 8.3 आए, बट गोवा में आपकी CGPA वही 7.7 रह जाएगी। तो उस केस में लाइक गोवा में तो आप ठीक कर रहे हो, क्योंकि गोवा में सबकी ख़राब है, बट जब तीनों कैंपस के साथ में इंटर्नशिप लगते हैं ना, उस चक्कर में आपको थोड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है। तो ये एक कारण हो सकता है गोवा का, बट गोवा का एक एडवांटेज भी है कि लोग ऐसा कह रहे हैं कि कोडिंग कल्चर वहाँ का बेटर है और वहाँ का वेदर थोड़ा अच्छा है। तो लाइक वेदर वगैरह अगर आप कंसिडर कर रहे हो एंड कम्यूट कंसिडर कर रहे हो, उस केस में गोवा आपके लिए प्रेफरेबल हो सकता है। बाकी ऑब्वियसली पिलानी पिलानी है। अगला ऑब्वियसली भाई, इस टाइम का सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए जो काम है वो है हाइड्रेशन प्रोसेस। आई होप तुम्हें समझ आ गया है कि तुम्हें करना क्या है। नहीं आया तो बता देता हूँ। हाइड्रेशन प्रोसेस में क्या है, बेसिकली क्या होता है, काफी लोग सीट्स पिकअप कर लेते हैं एंड हो सकता है सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में जाके वो ड्रॉप करते हैं, तो वो सीट्स उसके नीचे वाले नंबर को मिल जाती है। होगा ये पूरा हाइड्रेशन में 6 या 7 राउंड होते हैं इन जनरल। कोरोना के टाइम पे 10-15 हुए थे, इन जनरल 6-7 राउंड होते हैं। तो आपको 2-3 ऑप्शन मिलते हैं। एक ऑप्शन होता है फ्लोट, जो कि लिखा नहीं होता है, पर अगर आप कुछ ना चूज करो तो आपका ऑप्शन फ्लोटेड रहता है, मतलब आपको वो ब्रांच मिलेगी मिलेगी इफ यू आर वंस अलॉटेड। उसके बाद आपको मिलता है कि भाई कैंपस लॉक कर दो, मतलब मान लो तुमको एमएससी केमिस्ट्री मिला है और पिलानी में मिला है, एंड इफ यू चूज द ऑप्शन कि लॉक कर दिया, तो आपकी ब्रांच पिलानी में अपग्रेड होगी, आप गोवा हैदराबाद नहीं जा सकते। और फिर आता है लॉक द फ्रीज फ्रीज जो मिल गया जैसे केमिस्ट्री, पिलानी पिलानी हो गई, वही हो गई। अब तुम्हें और कुछ चाहिए नहीं, यू आर सैटिस्फाइड, ठीक है। आई होप आरव, इसमें इतना ही चाहिए हाँ, तुमको। मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। तो ठीक फिर आते हैं स्टूडेंट सबसे लोन पे। इम्पोर्टेंट, हाँ, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसा आपको लगता होगा कि बिट्स पिलानी सिर्फ ऐसे सो कॉल्ड अमीर लोग जो करोड़पति वही पढ़ते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइक अगर हमने बात करें SBI मैनेजर से, तो हर साल ऑलमोस्ट लाइक पिलानी कैंपस की मैं बात करूँ, 250 लोग आराम से एजुकेशन लोन लेते हैं आउट ऑफ 1100 पीपल। तो बहुत कॉमन है उधर। एंड उसका प्रोसीजर बहुत आसान होता है, जब आप कैंपस पहुंचोगे ना, यू विल सी कैंप्स लाइक ICICI बैंक और SBI तो अपना कैंप लगा देते हैं कैंपस के अंदर, बट अगर आप उन कैंप में भी नहीं जाते हो, उस केस में कैंपस के जस्ट 1-2 किलोमीटर दूर ही
बाहर एसबीआई का ब्रांच है, वहाँ पे आप जाओगे, आपको डॉक्यूमेंट्स जो बेसिक से आप कैरी करते ही हो ना, ऐसा कुछ नहीं मांगाएंगे कि आसमान से तारे तोड़ के ला दो, बहुत ही बेसिक सा डॉक्यूमेंट होगा जो आपको उधर सबमिट करना होगा, फिर आपको फॉर्म उनका फिलअप करना होगा। तो उस केस में वो क्या है कि आपने कहीं से भी अरेंज करके 3.5 लाख के आसपास जो रुपए हैं आपके, जो इटरेशन के टाइम आपको देना था वो आपने पे कर दिया, द मोमेंट यू लाइक अप्लाई फॉर द लोन आपको 10-15 दिन के अंदर लोन सैंक्शन हो जाएगा। उसके साथ साथ क्या होगा, वो आपको रीइम्बर्स कर देंगे कि आपने जो कैसे अरेंज करा है, तो वो 3 लाख रुपये आप बैंक से वापस मांग सकते हो। सो दे लाइक रीपे दैट अकाउंट इन योर बैंक अकाउंट। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप 1 लाख रुपए तक का टेक का गैजेट खरीदने के लिए भी उनसे पैसे ले सकते हो। तो बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है इन बिट्स पिलानी का, क्योंकि A+ ग्रेड में आते हैं SBI के। सो 40 लाख तक का लोन बिट्स पिलानी के या बिट्स गोवा या बिट्स हैदराबाद के लोगों को मिल सकता है। आई थिंक उतना ही स्टूडेंट लोन में हम हाँ, एंड आपको उसके बता अलावा सकते ज़्यादा हैं। डिटेल में चाहिए होगा तो मैं इससे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, बहुत सारे लिंक्स होंगे जो हर एक टॉपिक मैंने ऐसे डिटेल वीडियो बनाई रखी है। उसके बाद यार आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जो लोन के अलावा आपके लिए है वो है स्कॉलरशिप। हमारा कॉलेज है फेमस कि भाई बहुत स्कॉलरशिप देता है अगर आप डिसेंट स्कोर कर रहे हो। आई नो कि भाई 6 CGPA के ऊपर भी आई गेस 25% हाँ आपको मिल जाती है। स्कॉलरशिप मिलता है, जिसको इन्होंने नाम दिया MCM, MCN, मेरिटम MCN, नीड हाँ स्कॉलरशिप। हाँ तो इसमें आप सीन पीपल जो कुछ नहीं 80-90% उनका फीस डिडक्ट करवा लेते हैं, एंड उसके स्टैट्स अगर चाहिए वो भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, उसका हाँ लिंक प्रोवाइड कर हाँ देंगे या गूगल बेसिकली ड्राइव वो ऐसा होता है करके। कि दो तरीके के होते हैं, मेरिट होता है और MCN होता है। मेरिट का मतलब होता है कि आप कितने अमीर गरीब को फ़र्क नहीं पड़ता, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी क्योंकि आपने पढ़ाई में अच्छी करी है। और दूसरा होता है MCN कि आपकी 12 लाख से इनकम अगर एनुअल कम है पेरेंट्स की, उस केस में आपको MCN के लिए एलिजिबल कर दिया जाता है। अब मेरिट में क्या होता है, टॉप 1% को 100% ट्यूशन फी वेव हो जाता है, टॉप 2% को 40% वेव हो जाता है, फिर आता है MCN, टॉप 3% को 80% वेव हो जाता है, एंड टॉप 6% को 40%, टॉप 12% को 6%, ये 25%, ये तरीका चलता है। बट ये सब चीज़ टॉप 6% क्या होता है, इसे 1100 बच्चों में देखा जाता है, एंड ये CGPA पे मिलता है, नॉट SGPA। कि आपने पुराना अगर CGPA 6 कर दिया है तो दूसरे में अगर आप 10 लाते हो उस केस में भी आपकी CGPA 8 ही रहती है, तो उस केस में आपको 8 के हिसाब से 40 ही मिलेगा मोस्टली, लाइक एज एक्सपेक्टेड कट ज्यादा ऑफ के हिसाब से। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि CGPA के ऊपर होता है, SGPA नहीं। एग्जैक्टली। एंड लाइक बहुत बार ये होता है ना चलो लोगों ठीक का है, डाउट कि भाई IITs को छोड़ के बिट्स क्यों लें, है ना, तो उसका कारण ये है, ये जो कोर्सेज आपको जो दिख रहे हैं, ओपेल्स, डेल्स, ह्यूएल्स और CDCs। अब आर्यन मैंने आपको देखो बताएगा क्या है आई ये सब चीज़ें। गेस आप लोगों ने इतनी मीट अटेंड करी है, वर्ड्स आपने पक्का सुन लिए होंगे बट आपको मतलब क्लियर नहीं होगा, तो एक बार हम आपको समझा देते हैं कि आपको आइडिया रहे। अगर आप करिकुलम देख रहे हो क्या मतलब नेट पर कि ये सब है क्या, तो देखो सबसे पहले आते हैं CDCs जिनकी फुल फॉर्म है कंपलसरी डिसिप्लिनरी कोर्सेज, जो आपको करने ही करना है। लेट्स से आप मैकेनिकल में हो तो फ्लूइड मैकेनिक्स एक ऐसा कोर्स है आपको करना ही करना है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। उसके बाद आता है ह्यूएल्स, तो ह्यूएल्स में क्या होता है कुछ कोर्सेज होते हैं, बेसिकली हमको 3 कोर्सेज करने रहते हैं, और आप इसको कोर्सेज की बजाय यूनिट से देखो, 8 या 9 यूनिट्स आपको करने होते हैं, जिसमें ऐसे कोर्सेज होते हैं इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, ऐसे कोर्सेज रहते हैं। बेसिकली तो आपको ह्यूमैनिटीज वो वाले नेसेसिटी कोर्सेज। है कि आपको फॉर्मेलिटी समझो आप। उसके बाद आते हैं डेल्स, जिसका मतलब होता है डिसिप्लिनरी इलेक्टिव। तो आप आपको क्या होता है, मान लो इलेक्ट्रिकल में हो, इलेक्ट्रिकल का कोई डेल मतलब जो आपका CDC नहीं है बट इलेक्ट्रिकल ब्रांच का ही कोई अलग कोर्स है आप वो कर सकते हो। मैं मैकेनिकल में हूँ, मेरे लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक डेल की तरह काम कर सकता है, ठीक है। और ओपेल्स का मतलब होता है ओपन इलेक्टिव, आप इलेक्ट्रिकल में हो आपको कोई CS का कोर्स करना है आप उसको ओपेल में काउंट करवा सकते हो। एंड क्या होता है हर कोर्स की रिक्वायरमेंट है जैसे हर ब्रांच का कुछ फिक्स होता है, जैसे अगर आप CSE में तो आपको हर 4 डेल्स और 5 ओपल्स करने ही होते हैं, उसके बिना आपकी डिग्री खत्म नहीं होती है ना। ये ओपल्स ध्यान से सुनना क्योंकि आगे ये यूज़ होने वाला है ओपल्स, क्योंकि ओपल्स से ही लोग माइनर करते हैं, जो कि आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। एंड इसके साथ साथ पता है करिकुलम चलो में अगर इंडिया में बहुत लोग कंपेयर करते हैं कि भाई करिकुलम कैसा है किसी कॉलेज का, ये सब, तो एक कॉलेज है इंडिया के अंदर, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। अब क्या होता है ना कि इंडिया के अंदर आप 2nd ईयर के बाद कोडिंग सीखना शुरू करते हो, उस चक्कर में जब आप इंडस्ट्री के अंदर जाते हो उस केस में आपको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ आता ही नहीं, बस थ्योरी पता है, प्रैक्टिकल कुछ आइडिया ही नहीं है। उस केस में ये कॉलेज जो है आपको प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज देता है। एंड इनका जो करिकुलम है ना भाई, ये करिकुलम जो है बिल्कुल ही ऐसे मांग प्रोफेशनल से डिज़ाइन कराया गया है, एंड उन्होंने इतने अच्छे से इसको डिज़ाइन कराया है कि आपको BTech इन CS एंड AI मिलता है, एंड उसके साथ साथ आपको कोडिंग का एक्सपोजर 1st ईयर से ही मिल जाता है, जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है अगर आप IT फील्ड में एक्सप्लोर करना चाहते हो। एंड इनकी इंटर्नशिप लगती है, 6 मंथ्स की मैंडेटरी पेड इंटर्नशिप है, जो कि आपको एक इंडस्ट्री के अंदर एक्सपोजर देती है, ताकि आपको आइडिया लग पाए कि वर्क कल्चर कैसा होता है कंपनीज के अंदर काम करने का। एंड इनके स्टूडेंट्स जो है 30,000 पर मंथ से लेके 1.25 लाख तक का स्टाइपेंड उठा रहे हैं आज तक। एंड इनका इतना पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है अभी कि दिल्ली कैंपस में सीट भर भर गया है अभी,
तो उस केस में इनने पुणे में कैंपस खोला हुआ है अभी। सो लाइक अगर आपको इसके लिए रजिस्टर करना है, अगर आपको इस कैंपस में जाना है, उस केस में आप एनसेट के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा। तो ये एक अच्छा ऑप्शन आप कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद देखो एक शुक्रिया ना, तो देखो यार इस पे भी ये है कि अपन लोग की डिसेंट है, हम लोग भी बहुत हायर एंड सीजीपीए पे नहीं है, हम लोग भी एक मॉडरेट रेंज में है। एंड जितना अब तक मैंने एक्सपीरियंस करा है यार, कुछ सेमेस्टर्स लाइक सेकंड ईयर मेरा अच्छा रहा है, मैंने थोड़ी बहुत ही पुल करी है, इतना मेरे को समझ आया। बहुत टफ प्रोसेस नहीं है, पर आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। इस कॉलेज में क्या है कि आपको इतनी सारी चीजें ऑफर होती हैं कि आप कभी कभी भाग सकते हो, कभी कभी क्या आई थिंक 90% टाइम आप भाग ही रहोगे, पर आपको थोड़ा डिसिप्लिन रह के रोज पढ़ना है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो कुछ ऐड करना आ रहा हो? हाँ, मतलब वही है कि आप जो जितना आप जेई में एफर्ट करते हो ना, उसका 30 या 40% आपको एफर्ट डालना है इधर, तो आपकी अच्छी सीजीपी आराम से 9 के आसपास आ जाएगी। बट द थिंग इज कि वो 30% 40% आप डाल पाओगे क्या? क्योंकि आप घर पे आपके मम्मी पापा आपको डांट रहे थोड़ा ऐसे कि ठीक है भाई ढंग से रह ले, ये कर ले वो कर ले, बट कैंपस के अंदर इंडिपेंडेंस है भाई। इन पिलानी कैंपस है, इन बिट्स का कल्चर ये है कि भाई बच्चों को पूरा छूट दो कि वो एक्सप्लोर करें। तो उस केस में हो सकती है आप क्लब डिपार्टमेंट में बहक जाओ। तो अगर आपकी डुअल डिग्री है तो ये प्रेफरेबल है कि भाई थोड़ा अपने आप को पहले साल होल्ड बैक करो, ज़्यादा ऐसा उड़ो मत, मेहनत कर लो थोड़ी, कि उसके बाद सेकेंड ईयर आपका बिल्कुल ही लाइट होता है, तो आप सेकेंड ईयर पूरा एंजॉय कर सकते हो। अब फ्रीडम को यूज करना आना चाहिए ना, एग्जैक्टली लोग फायदा भी उठाते हैं, लोगों का भी फायदा उठ जाता है, तो अपना देख के करना जो भी करोगे ठीक है। उसके बाद देखो क्लब डिपार्टमेंट एंड एसोक्स, ये हमने पॉइंट अभी इसलिए रखा है क्योंकि हर मीट पे हमसे कोई ना कोई पूछ रहा होता है कि ये बेसिकली है क्या। तो आई एक्सप्लेन, तो देखो क्या होता है कॉलेज में, क्या होता है तुमने ब्रांच कोई भी ली, जितना मेरे को अब तक देखा है इंजीनियरिंग में, तुम कोई भी ब्रांच लो तुम कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे लोग फाइनेंस की जॉब्स कर सकते हैं, आप मैकेनिकल क्योंकि कोडिंग कर सकते हो। आई थिंक उसका बहुत बड़ा एक श्रेय जो है वो इन तीनों चीजों को जाता है, एटलीस्ट क्लब्स को जाता है। क्लब्स में क्या होता है, आपका प्रॉपर एक रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है। लेट्स से क्लब है हमारा रेडियो कंट्रोल क्लब, एंड उसमें मैं भी हूँ तो थोड़ा पब्लिसिटी भी हो जाएगी। तो रेडियो कंट्रोल क्लब है, तो उसमें क्या होता है हम ड्रोन्स के ऊपर काम करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो उस सब में, आपको अच्छा लगता है ड्रोन्स के बारे में पढ़ना, तो आप ड्रोन्स का क्लब ज्वाइन करो, एक टेस्ट प्रोसेस के थ्रू जाओ, सिलेक्ट हो जाओ और आपको सीखने का मौका मिलेगा। उसके अलावा कुछ फन क्लब्स भी हैं, जैसे आरएफ का क्लब है रेडियो एक्टिव, तो ये लोग काफी इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं ओएसिस वगैरह में। प्रॉम आप ईयर इवेंट कराते में तो प्रॉम नाइट करवाते हैं, आप इवेंट मैनेजमेंट सीख सकते हो। प्लस क्लब्स क्या होता है, आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है सीनियर्स एज वेल एज जूनियर्स दोनों के साथ इंटरेक्ट करने का। आपको इन जनरल कोई सीनियर फ्री नहीं मिलेगा बात करने के लिए, वो अपने बैच के साथ इंटरेक्ट करेगा, बट क्लब्स ऐसी जगह है कि आपको सीनियर एज वेल एज जूनियर दोनों मिलते हैं। डिपार्टमेंट जो है बेसिकली कैंपस में हमारे 7 मेजर डिपार्टमेंट है, एंड वो नाम वगैरह छोड़ दो, बट उनका बेसिकली काम क्या है, जो हमारे 3 बड़े बड़े फेस्ट है उन तीनों की फंक्शनिंग, उन तीनों का होना एक बहुत बड़ा काम होता है, तो उन तीनों को मैनेज करते हैं। यू नो कि भाई हमारे जो फेस्ट है वो सेल्फ सेल्फ रन है, हमको कोई मैनेजमेंट नहीं करवाता, हम खुद करवाते हैं, तो उसके लिए डिपार्टमेंट्स है। और एसॉक्स होता है कि हर अलग जो आप रीजनल एसॉक्स होते हैं, ये एसॉक्स का मतलब होता है जैसे बिहार झारखंड के लोग हैं, तो वो लोग एक तरीके से समझ लो है कि वो लोग एक मौर्य विहार करके शौक है उसमें रहते हैं, यूपी का संगम है, हरियाणा का हरियाणा कल्चरल एसोसिएशन है। तो ऐसे करके हर एक जगह का ना, हर एक रीजनल जगह का कि साथ में एक दूसरे का आप सेलिब्रेट कर सकते हो, त्यौहार वगैरह हो गया, कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हो गया, तो वो चीज़ें हैं कि साथ में लोग। तो बेसिकली ये तीनों चीज़ें क्यों हैं, ताकि आपका सीनियर से इंटरेक्शन बढ़े। आप क्लब डिपार्टमेंट शौक में जाके सीनियर से बॉन्डिंग करते हो, वही बॉन्डिंग बाद में जो आपको एलुमनाई नेटवर्क के फॉर्म में बहुत हेल्प कर जाती है। तो ये एंड आई चीजें थिंक हैं। ये तीनों बहुत बढ़िया पार्ट है हमारे कैंपस का, यू विल डेफिनेटली एंजॉय। एंड एसोसिएशन का अपन के पास एक ये भी रहता है कि मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, कंप्यूटर साइंस ट्रिपल एसोसिएशन एस है, हो वो गए। भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको उस समय इंटरेस्ट बैठता है ना। ठीक है अच्छा, उसके बाद जो आई थिंक हमारा स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि भैया ये हमने हम पक गए सुन सुन के, फाइनेंस कंसल्टेंसी कोडिंग ये है क्या? चलो ठीक है विल स्टार्ट। देखो आई विल गो विद फाइनेंस। तो फाइनेंस में क्या रहता है यार, काफी सारी फाइनेंस जॉब्स हमको ऑफर होती है, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह बहुत सारी चीजें होती है। जब आप घुसते हो आपको समझ आता है कि फाइनेंस भी बहुत ज्यादा चर्चा में आजकल इंजीनियरिंग कॉलेज में, आई थिंक फाइनेंस ज्यादा चर्चा में। तो एक ये नया सेक्टर खुल गया आपके लिए, आप आके एक्सप्लोर कर सकते हो कैंपस पे, इसमें आप माइनर भी ले सकते हो। माइनर में क्या होता है कैसे होता है उसके लिए अपन बाद में एक वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। और कंसल्टिंग का क्या होता है, आप नेट पे देख सकते हो कि कंसल्टेंसी बेसिकली होती क्या है। अगर आपने सुना हो TCS होता है, बेन होता है, BCG है, ये काफी बड़ी कंपनीज है कंसल्टिंग की। एंड इसमें क्या होता है कि आप अपनी एक्सपर्टीज से दूसरी कंपनीज की हेल्प करते हैं।
एक हमारे यहाँ पे क्लब है 180 DC, जो कि वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ा क्लब है, जिसमें आप एनजीओस वगैरह के लिए या मतलब नॉन प्रॉफिट वर्क है, जिसमें आप एक्सपीरियंस खुद लेते हो, दूसरों की हेल्प करते हो, ठीक उसी की लाइन पे शेयर करके. एक हमारा बिट्स का क्लब है, बिट्स पिलानी कंसल्टेंसी क्लब है, जो आपको कंसल्टिंग सिखाते हैं. सिखाते हैं इसलिए क्योंकि आप खुद जब तक सीखोगे नहीं, आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, और आपको जॉब मिलेगी अप्लाई करने की, तो आपको सीखना भी पड़ेगा. कोडिंग बेसिकली जो है ना, कि अगर आप मैकेनिकल या किसी भी ब्रांच में हो, जो मैंने स्टार्टिंग बोला था ना आपको कि ओपेल्स का ध्यान रखना, वो ओपेल्स के हेल्प से ही आप ये चीज़ें कर पाते हो. उसमें क्या करना होता है कि भाई आपको जो कोर्सेज है ना आपके, जो ओपेल्स करने हैं, वो आप कंप्यूटर का कर लोगे, जो ऐसे DSC हो गया, UPS हो गया, DBMS हो गया, ये चीज़ें कर लोगे तो आप कोडिंग कंपनीज में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हो. सिमिलरली फाइनेंस के लिए आप क्या करते हो, DRM हो गया, SAPM हो गया, ऐसे करके 5-6 कोर्सेज होते हैं जिनको ऑपशूट कहा जाता है, तो उनको आप एज अ ओपेल्स कर सकते हो ताकि आप फाइनेंस कंपनीज के लिए बैठ जाओ. एंड कंसल्टिंग में आपको वो है कि कैंपस के अंदर कमिटमेंट्स आपके क्या हैं, आप किस क्लब में कितने एक्टिव हो, आप कितने लोगों को पीपल मैनेजमेंट, लाइक आपका कितना अच्छा स्किल है उसमें, लाइक तो सारी चीजें आपके पीक्स देखे जाते हैं, आपका CV को बहुत मैटर किया जाता है. अभी आपके लिए जितना हमने बताया आई थिंक वो काफी होगा ये फाइनेंस कंसल्टेंसी के बारे में, ये क्योंकि ये एक एक वीडियो से आप बना सकते हो, इतने बड़े टॉपिक्स हैं. कैंपस मेरे को खुद को नहीं पता, मैं थर्ड ईयर में हूँ, मेरे को खुद को नहीं पता अभी सब कुछ. कैंपस पे आओगे धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन ग्रास्प करोगे, सीख जाओगे. एंड इनफैक्ट आप कमेंट भी कर सकते हो कि अगर आपको किसी टॉपिक बहुत हाँ डिटेल वीडियो चाहिए तो लाइक विल मेक इट. बट वही है कि हमको ऐसे पूरा कवर करना था कि बिटसेट क्वेरीज क्या क्या आई हमारी, हमारा ये समरी था जो हमने 2-2.5 महीने से लोगों से बात करी है उसका ये समरी हमको था. टोटल समझ आया हाँ, और उसके कि भाई साथ ये साथ बच्चों को डाउट है. एग्जैक्टली, तो अगर आपको उसके अलावा भी कुछ डाउट्स है जो नया आ सकते हैं, अगर आप कैंपस डिसाइड कर ले तो फिर आपके डाउट्स बढ़ जाते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हो उस चीज़ को, हम लोग उसको भी एड्रेस करेंगे. साथ साथ में आप टेलीग्राम ग्रुप तो ज्वाइन कर ही सकते हो क्योंकि हाँ वहाँ पे प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर में एट्रेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप भी भी. मिल ही जाएगा, आप एग्जैक्टली उसको ज्वाइन कर लो, उसके थ्रू आप व्हाट्सएप का लिंक भी हम प्रोवाइड कर देंगे, वहां पे आ जाओ. एक कम्युनिटी फॉर्म कर लिया हम लोगों ने, आप सब डिसेंट स्कोर 200 के ऊपर जो भी है सब आपस में बात कर लो, अपने डिसीजंस बनाओ. एंड हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई मक्कारी छोड़ते हुए चुपचाप से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है भाई, ऐसे नहीं होता है. ठीक है, बाय बाय, ऑल द बेस्ट. चलो.